So from LPP, exercise 7.1, fourth का second sum, region is 2x minus 5y, is more than equal to 10. Okay, so let's first draw 2x is minus 5y equal to 10. Now, if I take x as 0, तो y का वैल्यू कितना आता है? माइनस टू. सो y का वैल्यू इज माइनस टू. दिस इज वन पॉइंट. पुट y एज जीरो तो x का वैल्यू आता है 5. y को जीरो डाला तो ये टर्म निकल गया, तो 2x इज इक्वल टू 10, यानी x इज इक्वल टू 5. सो हाउ विल दिस लाइन लुक लाइक? ओके यतीश, ये आ गया था. ओके नाउ सिंस इट इज मोर देन, का मतलब अवे फ्रॉम ओरिजिन. मोर देन का मीनिंग अवे फ्रॉम ओरिजिन होता है. ओके सो रीजन कहां पे आएगा, कैसे पता चलेगा? यस प्लीज, और कौन सा तरीका बताया था मैंने रीजन फाइंड आउट करने के लिए? इफ यू रिमेंबर, हमने ओरिजिन पुटअप करने का डिसाइड किया था, मतलब ओ 0 0 पुटअप कर देगा, ठीक है, लेफ्ट साइड में. सो व्हेन आई पुटअप 0 0, आंसर क्या आ रहा है? 0 विच इज मोर देन इक्वल टू 10. इज दिस अ ट्रू स्टेटमेंट? इट्स अ फॉल्स स्टेटमेंट. ओके, 0 इज नॉट मोर देन 10, यानी ओरिजिन पॉइंट डज नॉट लाई इन दिस रीजन. दैट्स अ रीजन द रीजन लाइज अवे फ्रॉम ओरिजिन. ओके, उसी के फोर्थ का ही हम लोग थर्ड वाला लेते हैं. ओके, 3x प्लस 2y इज मोर देन इक्वल टू 0. ओके, नाउ द डिफरेंस ओवर हियर इज, इफ यू रिमेंबर मैंने कहा था अगर ये मोर देन इक्वल टू 10 वगैरह आएगा तो स्टिल इट इज इजी टू सॉल्व, क्योंकि लेस देन रहा तो टुवर्ड्स ओरिजिन, मोर देन रहा तो अवे फ्रॉम ओरिजिन. बट मोर देन इक्वल टू 0 है. नाउ द प्रॉब्लम विद दिस इज दिस इटसेल्फ विल पास थ्रू ओरिजिन. ये जो है ना, ये ओरिजिन से ही पास होएगा, ठीक है, क्योंकि इधर कांस्टेंट है ही नहीं. मतलब फॉर एग्जांपल, व्हेन आई पुट अप x इज 0, y का वैल्यू भी 0 आ रहा है, तो एक पॉइंट तो फिक्स है. सो व्हेन वी आर ड्रॉइंग दिस लाइन, एक पॉइंट तो ओरिजिन ही होने वाला है. अब दूसरा पॉइंट कैसे मिलेगा? पुट अप एनी अदर पॉइंट, पुट अप x एज 1, मैंने x को 1 डाला तो ये माइनस सॉरी 3 × 1 = 3 हो गया, 3 इधर आ गया, माइनस 3 हो गया. तो व्हाट इज y इज इक्वल टू? माइनस 3/2. माइनस 3/2 यानी माइनस 1.5. तो व्हेन आई पुट अप x एज 1, x इज 1, y इज माइनस 1.5, यानी अप्रोक्सीमेटली इधर आएगा. आर यू क्लियर क्या किया? वी फाउंड आउट टू पॉइंट्स एवरीवन. यस सर. इधर हमने दो पॉइंट कैसे ढूंढा था? वी पुट अप x एज 0 तो y का वैल्यू मिला था, y वाज माइनस 2. फिर मैंने y 0 डाला तो x का वैल्यू मिला था 5. ओके, बट यहां पर क्या है, हम लोग x और y 0 डालेंगे तो भी क्या आने वाला है? अगर मैंने x 0 डाला तो y भी 0 आएगा. याद रखना, बिकॉज देर इज नो कॉन्स्टेंट, इट इज गोइंग टू पास थ्रू ओरिजिन. दैट इज वेरी क्लियर. नेक्स्ट, तो दूसरा पॉइंट कौन सा लोगे? वापस 0 मत डालो, वो इसके लिए काम आता है. अब कोई भी दूसरा पॉइंट डालो, मींस कोई भी x और y का वैल्यू पुट अप करो. तो मैंने x का वैल्यू 1 पुट अप किया तो y का वैल्यू माइनस 1.5 आया, यानी x इज 1, x का वैल्यू इज 1 ईयर एंड y का वैल्यू इज माइनस 1.5. सो दिस बिकम्स द पॉइंट. सो ये दोनों पॉइंट आता है, ठीक है. सो नाउ इफ आई ड्रॉ द लाइन ओवर ईयर पासिंग थ्रू दीज टू पॉइंट्स, समवॉट ऐसे आएगा. ओके, नाउ अनदर ट्रबल. पहला ट्रबल क्या है, समझ में आ गया ना? अब दूसरा ट्रबल, ये मोर देन टुवर्ड्स ओरिजिन अवे फ्रॉम ओरिजिन वाला रूल अप्लाई नहीं कर सकते, तो यहां पे कौन सा रूल अप्लाई करेंगे मोर देन इक्वल टू 0 के लिए? सो व्हाट वी विल डू इज, वी विल टेक एनी पॉइंट.
समझो मैंने 1 1 या 2 2 कोई भी पॉइंट लिया और चेक कर रहा हूं कि ये ट्रू स्टेटमेंट है कि फॉल्स स्टेटमेंट है. ओके, सो आई विल जस्ट चेक दिस स्टेटमेंट whether it is true or false. लेट्स टेक इट 1 1. जब मैंने 1 1 पुट अप किया तो x1 y1 पुट अप किया तो 3+2 यानी 5 आया. तो जब मैंने 1 1 पुट अप किया तो 5 आया. 5 इज मोर देन इक्वल टू 0 इज अ, बताओ, इज अ ट्रू स्टेटमेंट. यानी रीजन कौन सा आएगा टुवर्ड्स राइट साइड वाला. आई होप यू आर क्लियर कैसे फाइंड आउट करना है. देखो यहाँ पे कॉन्स्टेंट टर्म दिख रहा है क्या? तो फिर ये किधर से पास होएगा? पहला पॉइंट क्या है? ओरिजिन. ओरिजिन. सो दिस पार्ट इज वेरी क्लियर कि ये ओरिजिन से तो पास हो रहा है. अब सेकंड पॉइंट फाइंड आउट करना है. नाउ टू फाइंड सेकंड पॉइंट, कोई भी एक को जीरो पुटअप कर, सॉरी कोई भी एक को कोई भी नंबर पुटअप करो. ठीक है, दैट चॉइस इज योर्स. टेल मी किसको पुटअप करना है? एक्स वाई क्या पुटअप करना है? ओके, लेट्स टेक अ वाई एज वन, क्योंकि ये 5 से डिवाइड होएगा ना तो इजी रहेगा कैलकुलेशन. लेट्स टेक y एज 1. ठीक है, तो y को 1 लिया तो 5x इज 3, x इज इक्वल टू 3/5. अगर ये भी डिफिकल्ट लग रहा है ना तो और एक टेक्निक बताता हूं. x से y का वैल्यू क्या लोगे? ऐसा वैल्यू लो कि वो दूसरे का डिविजिबल रहे. फॉर एग्जाम्पल ये 5 है ना, लेट्स टेक y एज 5, तो कैलकुलेशन इजी आएगा. समझ में आया क्या किया? ये थोड़ा टेक्निक यूज कर सकते हो, क्योंकि ये 5 है तो मैंने y का वैल्यू 5 लिया. वैसे कोई भी वैल्यू लोगे आंसर आ जाएगा. द ओनली थिंग इज डेसिमल्स में ना 3.125 ऐसे वाले वैल्यूज नहीं चलेंगे, वन प्लेस डेसिमल चलेगा. तो 5x इज लेस देन इक्वल टू 15, लेस देन हम लोग इक्वल टू ढूंढ रहे. तो x इज इक्वल टू 3. तो मैंने जब y का वैल्यू 5 लिया, y का वैल्यू 5 लिया तभी x का वैल्यू 3 आया. सो दिस इज माय अनदर पॉइंट. ओके, तो ये मेरा फर्स्ट पॉइंट है, ये मेरा सेकंड पॉइंट है. नाउ इफ आई ड्रॉ द लाइन पासिंग थ्रू देम, ठीक है. ओके, नाउ हाउ विल आई फाइंड आउट whether it is towards origin, away from origin. ये towards origin, away origin वाला rule यहाँ पे follow होगा क्या? Yes. क्यों नहीं follow होगा? Because ये खुद क्या कर रहा है? Origin से pass. तो क्या करने का? तो क्या करने का रहता है? कोई भी point लो और check करो वो satisfy कर रहा है condition को. Is it a true statement or a false statement? Okay, so let's take any point. समझो मैंने यहाँ का एक point लिया है. Let's take up this point. This point is 3,0. X-axis का point है. 3,0. कोई भी point लो. बस ये line पे का नहीं लेना है. कोई भी point लोगे तो ये line छोड़ के कोई भी point लेना. तो मैंने 3,0 लिया. अब left hand side में 3,0 check कर रहे हैं. मैंने x के बदले 3 डाला. 15 माइनस 3 × 0 इज 0. 15 इज लेस देन इक्वल टू 0. इज इट अ ट्रू स्टेटमेंट? फॉल्स स्टेटमेंट. इफेक्टिव लेस देन हो गया, इक्वल टू नहीं. 15 इज लेस देन 0 इज अ ट्रू स्टेटमेंट? तो ये इक्वल टू मत लिखना. 15 इज लेस देन 0 इज अ ट्रू स्टेटमेंट, क्योंकि ये ट्रू स्टेटमेंट है. यानी ये 3 0 के साइड वाला रीजन है. तो दिस इज 3 0. हमारा रीजन फॉल्स स्टेटमेंट. फॉल्स स्टेटमेंट is a false statement. Yani this is the region. Is this clear? It's about this. So tell me, x is more than equal to 0. Kahan pe region aayega? What is x is equal to 0? Y axis. Very nice. So now I suppose this part is very clear in your brain that x is equal to 0 is your y axis. Okay. So more than equal to 0 kaun sa wala region rahega? Ye mera x is equal to 0 hai. More than equal to 0 कौन सा रीजन आएगा? Yes, right side. Very nice. Towards right side. Okay. और तो less than equal to 0 कौन सा रीजन आएगा? Towards left side. Okay. So ये याद रखना. तो x is more than equal to 0 is your right side. Less than equal to 0 is left side. अपने को physical region नहीं ढूंढना है, हमको सिर्फ region mark करना है. तो तुमको arrows mark करने हैं 3-4 जगह पे. ठीक है? तुम्हारा answer तुम ऐसे represent करोगे. This will be your answer. X is more than equal to 0. समझ में आया?
वैसे ही y इज मोर देन इक्वल टू जीरो कैसे मार्क करोगे? व्हाट इज y इज इक्वल टू जीरो? x एक्सिस। तो मोर देन इक्वल टू जीरो कौन सा रीजन आएगा? अपर रीजन। अबाउ x एक्सिस, ओके। एंड लेस देन इक्वल टू जीरो कौन सा रीजन आएगा? बिलो x एक्सिस, ठीक है? यस, 3x plus 4 equal to 0, ये कौन से टाइप का लाइन हो गया? ओरिजिन से पास होगा। कैसे पता चला कि ओरिजिन से पास होगा? कांस्टेंट नहीं है कोई। ये क्या है? पैरेलल टू y। प्लस 4 क्या है? कांस्टेंट ही तो है। सो दिस इज नॉट गोइंग टू पास थ्रू ओरिजिन, मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं रखना। ओके, चलो आई विल जस्ट राइट इट एंड हेल्प यू आउट विद दिस। समझो तुम्हारा लाइन ax plus by is equal to c। हम लोग पहले equal to, when we are drawing a line ना, हम लोग equal to solve करते हैं। ये less than और more than, ये जो inequalities है ना, ये region बताता है, ठीक है? less than यानी towards origin, more than away from origin, ये सिर्फ region बताता है, okay? So अगर ax plus by plus c equal to ax plus by is equal to c ऐसा line रहा ना, it will pass anywhere but not from origin, ठीक है? ax plus by is equal to zero रहा ना, चेक करो, कॉन्स्टेंट टर्म नहीं है, जीरो रहा ना, मीन्स इट विल पास थ्रू, यस प्लीज, इट विल पास थ्रू ओरिजिन। फॉर एग्जाम्पल, ये लाइन ओरिजिन से पास नहीं हो रहा है क्योंकि ये कॉन्स्टेंट टर्म है, तो ये ओरिजिन से पास तो कभी नहीं होने वाला है। अगर ax plus c equal to zero रहा, सिर्फ plus c या c इधर रहा, जहां पे y टर्म नहीं है, अगर y टर्म नहीं है, मतलब ये x is equal to वाला इक्वेशन है, और 9th स्टैंडर्ड में x is equal to वाला इक्वेशन हमने कैसे किया था? What was the answer of x is equal to? That line is parallel to y axis। और अगर by plus c equal to zero, ऐसा टाइप का इक्वेशन है जहां पे x मिसिंग है, तो what is that line? That line is past parallel to x axis। I hope you are clear। So look at this and tell me, ये क्या टाइप का लाइन है? Okay. So this is 3x plus 4 is equal to 0. 3x is equal to minus 4. X is equal to minus 4 upon 3. X is equal to minus 4 by 3. यानी this line, ये x is equal to arrange हो गया. मतलब ये line parallel to y axis है. अगर ये line parallel to y axis है, तो कहाँ से pass होगा? Parallel to y axis. किधर से पास होगा? तो जहां पे x का कोऑर्डिनेट माइनस फोर बाई थ्री है। अगर मैंने इसको सिंपल मिक्स फ्रैक्शन में अरेंज किया, कुछ ऐसे आ रहा है, समझ में आया क्या किया? मिक्स फ्रैक्शन समझते हो ना, मैंने थ्री से डिवाइड किया तो वन आया, वन रिमाइंडर बचा, तो थ्री वन वन बाई थ्री। आई होप एवरीवन नोज मिक्स फ्रैक्शन। जब फोर को हम लोग बहुत साल पहले किया रहेगा, याद नहीं रहेगा, हम लोग जब थ्री से डिवाइड करते हैं तो 3 से डिवाइड करने के बाद कोशेंट इज 1, वो यहाँ लिखते हैं, एंड रिमाइंडर इज 1, वो यहाँ लिखते हैं। ओके, नाउ व्हाई वी हैव अरेंज्ड इट लाइक दिस, क्योंकि इसकी जगह फाइंड आउट करनी है। तो x माइनस 1 1 1 बाई 3 किधर आएगा? तो x माइनस 1 1 बाई 3 बोला, तो ये माइनस 1 है, ये माइनस 2 है, ठीक है? तो माइनस 1 1 बाई 3 यानी माइनस 1 से आगे आएगा, आगे, तो इसका आगे मतलब टुवर्ड्स लेफ्ट साइड जाएगा, इस साइड नहीं जाएगा, ठीक है? ओके, सो ये इस साइड आएगा। अब वो इधर भी किधर आएगा? क्योंकि 1 by 3 है, ये रिकरिंग नंबर हो जाएगा, ठीक है? तो ये रिकरिंग नंबर कैसे फाइंड आउट करेंगे? सो व्हाट विल आई डू इज, ये माइनस 1 और माइनस 2 का रीजन तीन पार्ट में डिवाइड करेंगे। अब तुम बोलोगे सर तीन पार्ट क्यों? वन पार्ट, टू पार्ट एंड दिस इज थर्ड पार्ट। तो मैंने ये एक रीजन वन पार्ट हो गया, ये टू पार्ट हो गया, और ये थ्री पार्ट हो गया। ओके, वन टू एंड दिस टू इटसेल्फ विल माइनस टू इटसेल्फ, ये माइनस टू इटसेल्फ विल एक्ट एज थ्री थर्ड पार्ट। तो व्हाई एम आई डूइंग इट, क्योंकि डिनोमिनेटर में थ्री है। सो दिस इज वन 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 बाई थ्री, वन बाई थ्री यानी फर्स्ट पार्ट। आई होप यू आर क्लियर अबाउट दिस। अब समझ में आया क्या करना है? यस सर। सो दिस इज एक्स का वैल्यू माइनस वन वन बाई थ्री। तो मेरा लाइन जो है ना, वो पैरेलल टू वाई एक्सिस है, बट इस पॉइंट से पास हो रहा है, ठीक है? सो माई लाइन विल लुक समथिंग लाइक दिस।
ठीक है, दिस इज माय इक्वेशन 3x प्लस 4 इज लेस देन इक्वल टू 0. नाउ आई नीड टू फाइंड आउट लेस देन है, विल इट बी टुवर्ड्स ओरिजिन और अवे फ्रॉम ओरिजिन. तो उसके लिए अब ये देखो ओरिजिन से तो पास हो नहीं रहा है, तो लेट्स कंसीडर द ओरिजिन पॉइंट इटसेल्फ. हम लोग जीरो पुट अप करते हैं. सो व्हेन आई पुट अप ओरिजिन 0 0 ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, अब मैं इनइक्वालिटी चेक कर रहा हूं. इक्वालिटी का काम खत्म हो गया, अब मैं इनइक्वालिटी चेक कर रहा हूं. तो मैंने जब 0 0 पुट अप किया तो 0 प्लस 4 इज लेस देन 0, 4 इज लेस देन 0 आ रहा है. Is 4 less than 0 correct statement है? Yes, please. 4 which is less than 0, is it a correct statement? It's a false statement. So 4 is less than 0 is a false statement. यानि जो region है वो towards origin नहीं आ रहा है, okay? क्योंकि ये ना negative side का graph है, ठीक है? तो इसलिए थोड़ा अलग तरीके से सॉल्व होएगा, ओके? सो डोंट कंसीडर कि सर लेस देन है तो टुवर्ड्स ओरिजिन ही आने वाला है. तो इसके लिए हमने चेक किया क्योंकि ये नेगेटिव साइड का ग्राफ बन रहा है, ओके? वो इस साइड का ग्राफ नहीं, इस साइड का ग्राफ है, ओके? नाउ लेट्स टेक अनदर पॉइंट. 5y + 3 इज लेस देन इक्वल टू 0. टेल मी, इसमें ना x मिसिंग है. सो कैन यू टेल मी वंस अगेन, अगर x मिसिंग है तो ये क्या टाइप का लाइन हो गया? Parallel to x-axis. Very nice. Parallel to x-axis. Okay. So parallel to x-axis. But pass कहाँ से होगा? So for finding that, 5y is less than equal to. Sorry. हम लोग line बना रहे हैं तो equal to लेना है. Less than लेने की ज़रूरत नहीं है. जब अपन region बनाते हैं ना, तब अपने को less consider करना है. जब line draw कर रहे हैं तभी सिर्फ equal to लिखने का. 3 इधर आएगा. क्या आएगा? -3. What is y is -3/5. अभी इसमें मिक्स फ्रैक्शन करने का जरूरत नहीं क्योंकि रिकरिंग नहीं आने वाला है. तो अगर मैंने डायरेक्ट डिवाइड कर दिया तो ये कितना आता है? -0.6. ओके, तो y का कोऑर्डिनेट -0.6 किधर है? तो y का माइनस टर्म्स इधर है, ये -1 है, ये -0.5 है, तो ये -0.6 हो गया, ओके? समवेयर ओवर हियर, ओके? तो y -0.6 किधर है वो मैंने प्लॉट कर दिया. y एक्सिस पे -0.6 किधर आएगा. अब y इज इक्वल टू इक्वेशन है, तो वो लाइन किससे पैरेलल है? यस प्लीज, वो लाइन किससे पैरेलल हो गया? x एक्सिस. और वो यहां से पास होगा, x एक्सिस से पैरेलल पर यहां से पास होगा. यानी तुम्हारा लाइन somewhat ऐसे आएगा. This equation is 5y + 3 is equal to 0. Okay, passing through this point. Now what I need to check? Will it be towards origin, away from origin? तो क्या check करने का? क्योंकि वो origin से pass नहीं हो रहा है. अगर origin से pass हो रहा है, तो मैं कोई भी दूसरा point लेके check कर सकता हूँ. True statement और false statement. But ये वाला origin से pass नहीं हो रहा है. तो अपन origin को consider करके ही check कर सकते हैं. अब समझ में आ रहा है ना कब ओरिजिन कंसिडर करना है, कब नहीं कंसिडर करना है. सो बिकॉज दिस वन इज नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन, सो लेट्स कंसिडर ओरिजिन एंड फाइंड आउट व्हाट्स द रीजन ओवर हियर. इज इट टुवर्ड्स ओरिजिन और लेस देन ओरिजिन? तो मैंने ओरिजिन को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया. सो टेल मी, मैंने 0 0 को सब्स्टिट्यूट किया तो क्या आंसर आ रहा है? 5 × 0 + 3 इज लेस देन 0. अब मैंने सिर्फ इनइक्वालिटी लिया है तो आंसर क्या आ गया? 3 इज लेस देन 0. 3 is less than 0. Is it a true statement or a false statement? False statement. यानी ये region origin के side का नहीं है, ठीक है? तो ये वाला आएगा. Now the interesting part about this question is यहाँ पे see this is called as objective function. Objective function यानी इस function को हम लोग maximize या minimize करते हैं. तो ये मेरा objective है. समझा? यही मेरा टारगेट है, इसी का मैक्सिमम और मिनिमम करना है. सो दिस इज कॉल्ड एज एन ऑब्जेक्टिव फंक्शन. दीज आर कॉल्ड एज कंस्ट्रेंट्स. यहाँ पर है ना जो कंस्ट्रेंट्स दिया है ना वो थोड़ा ट्रिकी दिया है, तो ये कंस्ट्रेंट्स को थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा. सो हाउ विल आई सिंप्लीफाई इट? इन दीज कंस्ट्रेंट्स आई विल राइट इट एज
एक्स इज मोर देन इक्वल टू जीरो, अगर तुम इसको ठीक से रीड करोगे तो यहाँ पे क्या आ रहा है, एक्स इज मोर देन इक्वल टू जीरो. कैन यू रीड दिस एंड टेल मी क्या आएगा, वाई इज मोर देन इक्वल टू जीरो. तो x मोर देन इक्वल टू जीरो, y मोर देन इक्वल टू जीरो, x मोर देन इक्वल टू जीरो, y मोर देन इक्वल टू जीरो का मतलब क्या हो गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट. ठीक है, ओके. तो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द ट्रिक इज, अब अगर मैंने इसको सॉल्व किया तो x इज लेस देन इक्वल टू 3, y इज लेस देन इक्वल टू 3 का मीनिंग क्या हो गया, x इज लेस देन इक्वल टू 3 का मतलब द लाइन इज पैरेलल टू y एक्सिस. X is less than equal to 3 is a line parallel to y axis passing through where x coordinate is 3. X coordinate 3 इधर है, parallel to y axis but x coordinate 3 से पास हो रहा है. Okay, so how will my line looks like? So this is how the line is going to be. Okay, वैसे y is equal to 3 is a line parallel to x axis. This line is parallel to x-axis, but कहां से पास होगा, जहां पे y is equal to 3 है. So this is where I have y is equal to 3. तो मेरा लाइन समवेयर ऐसे पास होगा. ठीक है, तो this one is y is equal to 3 and this one is x is equal to 3. Okay, after this मेरे ये वाले दोनों कंस्ट्रेंट सॉल्व हो गए. अब ये लास्ट वाला कंस्ट्रेंट है, x प्लस y इज लेस देन इक्वल टू 5. अच्छा, बिफोर दैट सॉरी, x इज लेस देन 3. अब x, दिस इज x इज इक्वल टू 3, लेस देन 3 टुवर्ड्स ओरिजिन. फर्स्ट क्वाड्रेंट में सिंपल कॉन्सेप्ट है टुवर्ड्स ओरिजिन, अवे फ्रॉम ओरिजिन. फिर भी अगर चेक करना है तो मैंने ओरिजिन, क्योंकि ये ओरिजिन से पास नहीं हो रहा है तो मैं ओरिजिन को यूज करके चेक करूंगा. तो ओरिजिन को यूज करके कैसे चेक करेंगे, पुट अप x as 3, x as 0, ओरिजिन को यूज करो, 0 पुट अप करो, 0 इज लेस देन 3, इज इट अ ट्रू स्टेटमेंट, यस, मतलब टुवर्ड्स ओरिजिन आ गया. नेक्स्ट, y इज लेस देन 3, मैंने वापस ओरिजिन को यूज किया, 0 पुट अप किया, 0 इज लेस देन 3, 0 इज लेस देन 3 इज अ ट्रू स्टेटमेंट, मतलब ओरिजिन इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इनइक्वालिटी के, इसलिए टुवर्ड्स ओरिजिन. ओके, फर्दर x plus y is equal to 5 draw करते, क्योंकि this line doesn't pass through origin, notice it, it doesn't pass through origin, I can put up one as 0, find the other, put up another as 0, find the other. मैंने मतलब मैंने x 0 put up किया तो y का value 5 आएगा, x 0 put up किया तो y का value 5 आएगा, y 0 put up किया तो x का value 5 आएगा. ठीक है, so if I draw this, this is the line. Okay, now less than का meaning towards origin होगा. फिर भी अगर check करना है तो मैंने 0 0 origin यहाँ पे put up किया, 0 0, मैंने जब 0 0 put up किया, 0 is less than 5 आया, is it a true statement? Yes sir, therefore it is towards origin. मैक्सिमाइज करना, 7.4 का है, मैक्सिमाइज करना है. सो आई वॉन्ट द एरिया विच इज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट. लुकिंग एट दिस कंस्ट्रेंट क्या पता चला, ये कंस्ट्रेंट क्या बताता है, इट इज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट. ओके, और ये वाला एरिया सब लेस देन है, मतलब ये लाइन के नीचे, ये लाइन के लेफ्ट साइड में, ये लाइन के नीचे. सो वेयर इज द फिजिबल रीजन ओवर हियर, दिस शेडेड पोर्शन बिकम्स द फिजिबल रीजन. समझ में आया, इधर जो ट्रिकी पार्ट था ना वो सिर्फ इधर था, इधर वो ट्रिकी पार्ट था. ठीक है, ओके, दिस इज द फिजिबल रीजन. इन दिस फिजिबल रीजन लेट्स नेम दिस एज ओ, ए, बी, सी एंड दिस इज डी, दिस इज द फिजिबल रीजन. अब वो ए का कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करते हैं, तो ए का कोऑर्डिनेट क्या रहेगा, ये 3 से पास हो रहा था यानी 0, 3. D का कोऑर्डिनेट ये भी 3 से ही पास हो रहा है, यानी क्या आएगा, 3, 0. अगर तुम नोटिस करोगे ये 3 से पास हो रहा था, ये भी 3 से पास हो रहा था, तो 0, 3 and 3, 0, ये वाले आंसर्स हैं. ठीक है, कोऑर्डिनेट्स के. अब ये कैसे मिलेगा, नॉट टू फाइंड इट, ये किसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो चेक करो, ये किसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ये लाइन का
और ये लाइन का, तो दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करो तो तुमको बी मिलेगा। ठीक है, तो ग्राफिक ग्राफ में देख के मत करना क्योंकि ये तुम नॉर्मल पेपर पे बना रहे हो। ठीक है, सम के बाजू में ही बनाओगे तो ये नॉर्मल पेपर पे ही बना, ग्राफ पेपर पे नहीं बनाने का है। तो यहाँ पर बी का कोऑर्डिनेट कैसे मिलेगा, सब्स्टिट्यूट सॉल्विंग दीज टू साइमल्टेनियसली। तो वाई का वैल्यू 3 पुटअप करो, जब मैंने वाई 3 पुटअप कर दिया तो एक्स का वैल्यू 2 आ रहा है। तो ये पॉइंट क्या आ रहा है, एक्स का वैल्यू 2 आ रहा है। ठीक है, जब मैंने वाई 3 पुटअप, क्योंकि वाई इज इक्वल टू 3 दिया हुआ है। तो वैसे ही हाउ विल आई फाइंड दिस पॉइंट, यस प्लीज कैन यू आंसर दिस, ये किसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, सी पॉइंट, एक्स इज इक्वल टू 3। यस, एक्स इज इक्वल टू 3 का है और एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 5 का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। सो टेल मी क्या पॉइंट आएगा, 3.2। यस, वेरी गुड, मैंने एक्स का वैल्यू 3 पुट अप किया, एक्स 3 पुट अप किया तो वाई का वैल्यू 5 माइनस 3 यानी 2 आएगा, 3.2। अब ओ ए बी सी डी सब मिल गया। ठीक है, नाउ माय ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज 10x प्लस 25y, उसको मैक्सिमाइज करना है। ठीक है, सो फर्स्ट एट 0 0 z एट o इज 0, वो 0 ही आएगा आंसर। एट a का वैल्यू इज 0.3, नॉर्मली तुम्हारे आंसर इधर लाई करते हैं। ठीक है, कोई बहुत ही कम केसेस में इधर आएंगे, ये तो कभी नहीं आएगा। ओके, z एट a 10 इंटू एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट इज 0, वाई कोऑर्डिनेट इज 3, 10 इंटू 0 प्लस 25 इंटू 3, 0 प्लस 75, सो आंसर इज 75। एट बी, बी इज 2.3, जेड एट बी इज एक्स के बदले 2 और वाई के बदले 3, दिस इज 20 प्लस 75 विल बिकम 95, दिस इज सी, सी इज 3.2, जेड एट सी इज 10 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 25, 50 प्लस 30, 50 प्लस 30 विल बिकम 80। एट डी, डी इज 3.0, टेन इंटू 3 प्लस 25 इंटू 0, आंसर इज 30। देयरफॉर जेड इज मैक्सिमम 95 एट पॉइंट बी 2.3, सो द मैक्सिमम वैल्यू इज वेन एक्स इज 2 एंड वेन वाई इज 3। ओके, अच्छा यहाँ पे एक और एक स्टेटमेंट लिखना है, देयरफॉर द फिजिबल रीजन, ये इधर स्टेटमेंट आएगा, फिजिबल रीजन इज, व्हाट इज द फिजिबल रीजन, नेम इट, ओ ए बी सी डी ओ, क्लोज रीजन है ये। ठीक है, ओके, सो फ्रॉम मिसलिनस 9th एमसीक्यू, जेड इज 2x प्लस 3y, मिनिमाइज, दीज आर द कंस्ट्रेंट्स गिवन। नाउ व्हाई एम आई सॉल्विंग दिस, सबसे पहला पार्ट, x इज मोर देन इक्वल टू 0, y मोर देन इक्वल टू 0 का मीनिंग क्या हो गया, यस प्लीज, ये कंस्ट्रेंट का मीनिंग, इट्स इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। ओके, सेकंड पार्ट, इसका ये कंस्ट्रेंट को थोड़ा सिंपलीफाई करना पड़ेगा जो ऑलरेडी हम लोग अभी कर चुके हैं। टेल मी, इस कंस्ट्रेंट को दो पार्ट में डिवाइड करो, तो पहला पार्ट क्या आएगा, व्हाट इज x प्लस 2y, मोर देन इक्वल टू, वेरी नाइस, एंड सेकंड, x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 10, ये पहला पार्ट कंस्टेंट का हो गया और ये दूसरा पार्ट कंस्टेंट का हो गया। ठीक है, नाउ हाउ विल आई सॉल्व इट, सबसे पहले x प्लस 2y इज इक्वल टू 1 प्लॉट करते हैं, तो हाउ विल आई प्लॉट x प्लस 2y इज इक्वल टू 1, ये 1 है मतलब ये ओरिजिन से पास नहीं हो रहा है। ठीक है, ओरिजिन से पास नहीं हो रहा है, पुट x एज 0 तो y का वैल्यू हाफ आ रहा है, तो y का वैल्यू हाफ है ना, y का वैल्यू 0.5, तो ये पॉइंट हो गया, पुट y एज 0 तो x का वैल्यू 1 आ रहा है, यानी कि ये पॉइंट हो गया। इज दिस क्लियर एवरीवन? यस सर, यस सर, यस सर। So
So this is my first line, x plus 2y is equal to 1. Now, let's find out the region. Where is the region? More than equal to bola hai. More than yaane kya aega? Away from origin. Still, check this. मैं ओरिजिन को, क्योंकि ओरिजिन से पास नहीं हो रहा है तो मैं ओरिजिन को यूज करता हूं. मैंने यहाँ पे लेफ्ट साइड में जीरोस पुट अप कर दी. अब मैं इनइक्वालिटी चेक कर रहा हूँ. इक्वल टू का काम खत्म हो गया. अब मैं इनइक्वालिटी चेक कर रहा हूँ. तो मैंने जीरो जीरो पुट अप कर दिया. तो जीरो प्लस जीरो यानी जीरो, इज जीरो मोर देन वन? मैंने जब जीरो पुट अप किया, इज जीरो मोर देन वन? इज इट अ ट्रू स्टेटमेंट और अ फॉल्स स्टेटमेंट? जीरो इज मोर देन वन इज अ फॉल्स स्टेटमेंट. जीरो वन से कम होता है, यानी टुवर्ड्स ओरिजिन का रीजन नहीं है, यानी अवे फ्रॉम ओरिजिन है. समझ में आ गया? वैसे लेस मोर देन का मतलब अवे फ्रॉम ओरिजिन ही था. नेक्स्ट, x plus 2y is less than equal to 10. Now first I need to plot this line. Put x as 0, तो y का वैल्यू क्या आ रहा है? 5. Put y as 0, तो x का वैल्यू क्या आएगा? Somewhere over here, बहुत दूर जा रहा है. X is 10 आ रहा है, ठीक है? Okay. चलिए एक दूसरा पॉइंट ढूंढ लेते हैं, ठीक है? Put y as 2, ठीक है? नहीं, y को 2 नहीं, y को 4 ले लो. तो अगर मैंने y 4 लिया, तो 4 2 जा 8, 10 minus 8 will become 2, यानी x का वैल्यू 2 आ रहा है. तो मैं कोई भी दूसरा पॉइंट भी, जैसे तुमने 9th स्टैंडर्ड में ये किया हुआ है, how to find 4 points, remember? तो वो वाला लॉजिक अप्लाई कर सकते हैं. Put y as, मैंने 4 डाला, ताकि मैं नियरेस्ट पॉइंट, ये बहुत दूर जा रहा है ना, इसलिए नियरेस्ट पॉइंट ढूंढ रहा हूँ. तो y को मैंने 4 लिया, तो 4 2 जा 8, 10 minus 8 becomes 2, तो x का वैल्यू 2 आ रहा है. तो x का वैल्यू 2 है, y का वैल्यू 4 है, यानी ये दूसरा पॉइंट बन गया, ठीक है? So how will I draw this line? Passing through these two points. नाइन्थ की तरह चार चार पॉइंट का जरूरत नहीं है. ओके एवरीवन, इज दिस क्लियर? यस सर. दिस लाइन इज एक्स प्लस टू वाई इज इक्वल टू 10. नाउ इट्स लेस देन. लेस देन का मतलब क्या हो गया? फिर भी एक बार चेक कर लो. जीरो जीरो पुट अप करो, तो जीरो इज लेस देन 10. जीरो इज लेस देन 10 इज अ ट्रू स्टेटमेंट, यानी ये टुवर्ड्स ओरिजिन है. आर यू क्लियर विद दिस? ठीक है, नाउ टेल मी वेयर इज द फिजिबल रीजन. विल इज, अच्छा टेल मी, इज द फिजिबल रीजन अ क्लोज रीजन या एन ओपन रीजन, एंड वेयर इज दैट? इज दिस द फिजिबल रीजन? क्या ये फिजिबल रीजन है? यहां पे दिख रहा है नीचे ट्रायंगल, ये फिजिबल रीजन है क्या? नहीं है. क्यों? क्योंकि वो लाइन के ऊपर होना चाहिए था रीजन, ये नीचे चला गया. सो दिस इज माय फिजिबल रीजन. समझ में आ रहा है? ठीक है, वैसे ये एमसीक्यू है तो अपने को सारे स्टेप्स लिखने का नहीं है, रफ बनाओगे तो भी चलेगा. तो मिनिमाइज करना है, तो मेरे पास इधर के कुछ पॉइंट्स आ रहे हैं, ठीक है? ए बी सी डी ए इज माय क्लोज रीजन. ओके, सो ए पॉइंट क्या था? व्हाट वाज ए पॉइंट? याद है, ये 0.5 आया था, यानी ये क्या था पॉइंट? 0.5. और डी पॉइंट क्या था? ये 1 से पास हुआ था, यानी 1.0. तो अब एक एक करके ओरली फाइंड आउट करते हैं. तो जेड एट ए, मैं ज्यादा स्टेप्स नहीं लिख रहा हूं बिकॉज ये एमसीक्यू का सम है. तो A का वैल्यू इज 0.5. लेट्स पुट अप ओवर हियर, तो क्या आएगा? 2 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 0.5. सो आंसर बिकम्स, ये तो 0 हो गया, ये हो गया 1.5. नाउ Z एट D फाइंड आउट करते हैं, क्या आएगा? 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 0, तो 2 इंटू 1 यानी 2 आ गया. ओके, तो ये 1.5 आया, ये 2 आया. ओके, अगर मैं ये पॉइंट लूंगा तो ये 0.5 है. Z at C is 2 into 0 plus 3. हम लोग ये कर रहे, ये अपना फंक्शन है, इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन को सॉल्व कर रहे हैं. Z समझ में आ रहा है ना? तो 2 into 0 और 3 into 5, यानी आंसर 15 आया. और Z at, ये Z at B था, और Z at C में ये 10 पे पास हो रहा था,
तो दिस वाज 10 कॉमा 0, तो 2 इनटू 10 प्लस 3 इनटू 0 यानी 20. नाउ टेल मी सबसे मिनिमम वैल्यू किधर आ रहा है. जेड इज मिनिमम एट 1.5. कौन से पॉइंट पे 1.5 आ रहा है? 0 और 0.5. चेक करो वहां पे कौन सा वाला एमसीक्यू का आंसर है. ए वाला आंसर. समझ में आया? यस सर. ओके नाउ इसके अंदर एक और एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो नोट करवाने का था मुझे. दैट इज तुमने इसको तो सॉल्व करना सीख लिया, पर तुम एक चीज नोटिस करो. व्हेनेवर टू इक्वेशंस whenever two equations has the same x and y coefficient, what can I say about these two equations? Parallel to each other. Very nice. They are parallel to each other. Yeh bhi tumne 10th standard mein kiya hai. Whenever two equations have different constants, but same x and y coefficient, matlab these two lines are parallel to each other. Tum yahan pe notice karo. ये दोनों इक्वेशन का x और y का कोएफिशिएंट सेम है, सिर्फ कांस्टेंट टर्म चेंज हो रहा है. बिकॉज x और y का कोएफिशिएंट सेम है, सो लुक एट बोथ दीज लाइंस. इजंट दीज टू लाइंस पैरेलल टू ईच अदर? समझा? यस सर. सो ये सारे जो कॉन्सेप्ट्स है ना, ये जब तुम सॉल्व करना स्टार्ट करते ना, उससे पहले कुछ चीजें क्लिक होनी चाहिए. पहले से इमेजिनेशन क्लियर होना चाहिए कि मेरा ग्राफ कैसे दिखेगा. मैंने सम होने के बाद भले ही बता दिया, पर क्लैरिटी पहले आ जाना चाहिए. ठीक है? स्पेशली व्हेन यू आर सॉल्विंग एमसीक्यू, सीईटी एग्जाम्स, जी मेंस एग्जाम्स, इनके लिए. ठीक है?